नमस्कार, मिसेस वीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज की इस ई क्लास का टॉपिक होगा एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के यूनिट से, जिसमें हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, नामकरण आदि के बारे में आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और नया भी नहीं है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। से पहले ट्वेल्थ की स्टैंडर्ड में आपने इसके बारे में पढ़ा है, इसे जाना है, इसे समझा है। तो हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले हम इस टर्म को लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कि कार्बन व हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिक, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इन हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है ओपन चेन या एलिफैटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरी कैटेगरी है इसमें क्लोज्ड चेन और रिंग और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की ओपन चेन तथा ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन होती हैं, और श्रृंखला के दोनों सिरों के कार्बन आपस में जुड़े नहीं होते हैं। श्रृंखला के जो दोनों सिरे हैं वो आपस में इनमें जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें खुली वलय या अचक्रिय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस वर्ग के जो अधिकतर सदस्य हैं वो प्रारंभ में वसा यानी फैट से प्राप्त किए गए थे, इसलिए इन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। और एलिफैटिक शब्द ग्रीक शब्द एलिफोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है फैट यानी वसा। अब कार्बन कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर इन हाइड्रोकार्बन्स को पुनः दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स, और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन एंड एल्काइन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं चार परमाणु अथवा समूहों से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन परमाणु मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर इन हाइड्रोकार्बन्स को पुनः एल्केन्स व एल्काइन्स में वर्गीकृत किया गया है। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, जबकि एल्काइन्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो मुख्य जो टॉपिक है वो है एल्कीन्स। एल्कीन्स, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, और n बराबर एक इंटीगर है, पूर्णांक है, जिसका मान 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होता है। इसके जो प्रथम तीन जो इसके सदस्य हैं सजातीय श्रेणी के, वो CH4 यानी मेथेन, C2H6 एथेन और C3H8 है। एल्केनों की अगर क्रियाशीलता की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, तो इनकी बहुत कम होती है,
और ये सामान्य अभिकारक जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के प्रति उदासीन से होते हैं। इसी उदासीनता के कारण इनकी पूर्णतः ये संतृप्त प्रकृति के होते हैं, यानी सैचुरेटेड होते हैं। इसीलिए इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स लेटिन वर्ड पैरम यानी कम, एफिनस एफिनिटी या क्रियाशीलता से बने हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर। तो आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इन यौगिकों में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है और चार संकरित परमाणु कक्षक समचतुष्फलक के चार कोनों की तरफ विन्यासित रहते हैं तथा एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हैं, यानी बंद कोण इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। मैथेन में प्रत्येक संकरित कक्षक हाइड्रोजन के एस कक्षक के साथ को एक्सियली अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। एथेन और प्रोपेन में कार्बन के sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के एस कक्षक अथवा कार्बन परमाणुओं के sp3 संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाते हैं। अब एल्केन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.54 एमस्ट्रोंग तथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.07 एमस्ट्रोंग। ये आणविक कक्षक चित्र है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एथेन तथा मैथेन और एथेन का। मैथेन में आप देख रहे हैं कार्बन के चार sp3 संकरित कक्षक जो एक टेट्राहेड्रल के चार कोनों पर अभी विन्यासित होते हैं और हाइड्रोजन के एस परमाणु के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एथेन में दोनों कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक टेट्राहेड्रल या चतुष्फलक के चार कोनों में अभी विन्यासित होते हैं और कार्बन कार्बन के sp3 संकरित कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा बंध, और बाकी जो तीन sp3 संकरित कक्षक है वो हाइड्रोजन परमाणु के एस ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, और ये अतिव्यापन होता है कोएक्सियली यानी समाक्षतः। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो है नॉमन क्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो नॉमन क्लेचर की इसमें तीन मुख्य पद्धति इसमें बताई गई हैं। पहले यह सामान्य एवं रूढ़ पद्धति, दूसरी है डिराइव्ड सिस्टम और व्युत्पत्त पद्धति, और तीसरी है IUPAC पद्धति। सामान्य अथवा रूढ़ पद्धति, तो सजात श्रेणी के प्रथम चार सदस्यों को विशेष नाम दिया गया है और शेष सदस्यों के नामकरण में प्रीफिक्स पेंट, अगर 5 कार्बन एटम है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट और 8 है तो ऑक्ट लगाकर सुफिक्स एन लगाकर इसमें नाम दिया जाता है, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। और प्रथम चार सदस्य हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब स्ट्रेट चेन एल्केन्स जो होते हैं, यानी लंबी श्रृंखला वाले जो एल्केन हैं, इनमें केवल प्राइमरी तथा सेकेंडरी कार्बन परमाणु होते हैं। प्राइमरी को 1 नॉट से और सेकेंडरी को 2 नॉट से लिखा जाता है। ब्रांच्ड जो चेन एल्केन होते हैं, यानी शाखित जो एल्केन हैं जिनमें टर्शरी कार्बन परमाणु भी होता है, आइसो और जो क्वाटरी क्वाटनरी जो कार्बन होता है उसको 4 नॉट कार्बन परमाणु वो कहलाता है, उसके आधार पर इन्हें लिखा जाता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ब्यूटेन C4H10, चार इसकी संरचनाएं एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, नियो पेंट और पेंटेन की नियो पेंटेन और आइसो पेंटेन। सेकेंड सिस्टम है इसका व्युत्पित्त पद्धति, यानी
डिराइव्ड सिस्टम। नामकरण की इस पद्धति में एल्केनों को मेथेन का एल्काइल व्युत्पन्न मानते हुए उसका नामकरण करते हैं, यानी अन्य एल्केन्स को मेथेन का एल्काइल डेरिवेटिव माना जाता है इस पद्धति के अनुसार। यह पद्धति बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है क्योंकि बहुत से ओपन चेन और जो जटिल शाखाओं वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नामकरण इसके आधार पर किया जाना बहुत ही थोड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मेथेन, मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर हम CH3 समूह से रिप्लेस कर देते हैं तो ये कहलाएगा मिथाइल मेथेन। दो हाइड्रोजन परमाणु को CH3 समूह से रिप्लेस करें तो ये होगा डाई मिथाइल मेथेन, इथाइल मिथाइल मेथेन। एंड चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को चार मिथाइल समूह से रिप्लेस करने पर यह बनता है टेट्रा मिथाइल मैथेन। थर्ड तो इसकी पद्धति है नामकरण की, वो है IUPAC पद्धति, जो कि बहुत ही उपयोगी पद्धति है। ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो पहले जो दोनों पद्धतियां हैं, सामान्य पद्धति तथा व्युत्पत्त पद्धति, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एल्केन्स होते हैं उनके नामकरण के लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित तो नहीं होती है। तो IUPAC पद्धति के द्वारा एल्केन के नामकरण के लिए कुछ नियमों का इसमें नियम दिए गए हैं IUPAC पद्धति में। ये नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है सबसे लंबी सतत कार्बन परमाणु श्रृंखला का चयन। तो इस नियम के अनुसार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन को उस श्रृंखला का व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन या इस बॉक्स में बनाकर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया गया है इन दोनों एग्जांपल्स में। सेकंड है वो है रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन, और यह कार्बन श्रृंखला का चयन। कई बार एल्केन्स में दो या दो से अधिक समान कार्बन परमाणु युक्त श्रृंखलाएं होती हैं। इनमें से उस श्रृंखला को पैतृक श्रृंखला माना जाता है जिसमें अधिक साइड चेन जुड़ी हों। यहाँ आप एक दो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आप देख रहे हैं जिसमें फर्स्ट जो है वो है हेक्सीन और उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो चयनित जो श्रृंखला है वो सही है, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में जो चयनित है वो गलत है, क्योंकि पहले में दो एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं उस मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए, जबकि दूसरे के अंदर केवल मात्र एक एल्काइल ग्रुप उसमें आ रहा है। थर्ड जो इसका नियम है वो है लोवेस्ट नंबर रूल, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन, मिनिमम नंबर दिया जाना। तो श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन एक सिरे से दूसरे सिरे तक किया जाता है, अर्थात दाएं से बाएं अथवा बाएं से दाएं, जिससे जो साइड चेन्स होती हैं यानी जो पार्श्व श्रृंखला की स्थिति छोटे से छोटे क्रमांक से व्यक्त की जाए। यह IUPAC का जो थर्ड नियम है वो यह कहता है। अब यहाँ आप दो अलग अलग एग्जांपल आप देखें। फर्स्ट जो सेट है उसमें आप देखें कि जो नंबरिंग की गई है उसमें साइड चेन को 3 नंबर मिल रहा है, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में उस साइड चेन को 4 नंबर मिल रहा है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है जबकि दूसरी स्ट्रक्चर गलत है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें साइड चेन का जो सेट ऑफ लोकेट्स है वो है 2-2-4, जबकि सेकंड में आता है वो 2-4-4। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है जबकि दूसरी जो संरचना है वो है गलत। फोर्थ जो नियम है IUPAC का वो है प्लेसमेंट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स इन द नेम,
यानी नामकरण में एल्किल प्रतिस्थापी की स्थिति। अब एल्काइल सब्सिट्यूएंट्स के नाम तथा स्थिति एल्केन के नाम में पूर्व लग में लिखी जाती है। जब किसी कार्बन श्रृंखला यानी किसी हाइड्रोकार्बन चेन में एक से अधिक एल्काइल ग्रुप श्रृंखला से जुड़े हों, तब उनका वर्णमाला क्रम में पूर्व लग्न में उसको व्यवस्थित कर देते हैं। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम तथा स्थिति एल्केन के नाम में प्रीफिक्स में लिखी जाती है। जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हैं जिसमें 3 नंबर पर है इथाइल ग्रुप और 2 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हुआ 3-methyl-2-methylhexane, क्योंकि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उनका नामकरण लिखा जाता है। फिफ्थ जो रूल है वो ये कहता है कि यदि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार उपस्थित है तो प्रीफिक्स डाई 4-2, ट्राई 4-3 एंड टेट्रा 4-4 आदि प्रतिस्थापी के नाम के आगे प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल समूह जुड़े हैं, तो इसका नाम होगा 4-ethyl-2-2-6। 6 नंबर पर भी एक मिथाइल समूह जुड़ा है, अतः 4-ethyl-2-2-6-trimethylheptane। 3 इसमें मिथाइल समूह जुड़े हैं, अतः इसका नाम हुआ 4-ethyl-2-2-6-trimethylheptane। लास्ट इसमें जो नेम आता जो रूल आता है वो है कि एल्केन का नाम लिखते समय 2 अंकों के मध्य अर्धविराम या कोमा तथा अंकों में प्रतिस्थापियों के मध्य हाइफन लगाकर दिखाया जाता है तथा एल्केन का नाम एक शब्द में लिखा जाता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं 4 हाइफन लगा के फिर इथाइल लिखा गया है, उसके बाद हाइफन फिर लगा के 2-2-6 में कोमा लगा के फिर हाइफन लगा के इस पूरे ट्राइमिथाइल हेप्टेन को लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये IUPAC नामकरण की बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्धति और उनके नियम, इनके आधार पर जटिल एल्किन्स का भी नामकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म इन एल्केन, एल्केन में समावयवता। तो एल्केन सजात के प्रथम 3 सदस्य अर्थात मैथेन, एथेन और प्रोपेन के संरचना सूत्रों को लिखने के लिए कार्बन तथा हाइड्रोजन की अन्य स्थिति संभव नहीं है, इसलिए ये समावयवता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। परंतु जो अन्य इसके बाद के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स एल्केन के हाइड्रोकार्बन्स हैं वे सभी समावयवता का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग प्रकार के समावयवता का। तो समावयवता क्या होती है कि जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना भिन्न हो समावयव कहलाते हैं और यह प्रक्रिया समावयवता कहलाती है। अब इसमें एल्केन्स में अलग अलग प्रकार के समावयवता का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता। श्रृंखला समावयवता यानी ऐसी समावयवता जिसमें संरचना सूत्र उनका समान होता है परंतु वो शाखित और अशाखित होती हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच, जैसे एनहेब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से एनपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। स्थिति समावयवता दूसरी प्रकार की समावयवता जिसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम होता है, ऐसे समावयवता जिसके अंदर जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एल्काइल प्रतिस्थापी होते हैं, उनकी स्थिति में परिवर्तन आता है। जैसे आप ये 2 संरचनाएं देख रहे हैं, पहला है 2-methylpentane, सेकंड है 3-methylpentane। यानी पहले में जो मिथाइल ग्रुप है वो
कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा है, जबकि दूसरे प्रकार के समावयव में ये मिथाइल समूह कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा है। C4H10, C5H12, C6H14 के अलग अलग संरचना सूत्र लिखे जा सकते हैं, जिन्हें परस्पर समावयवी कहा जाता है और इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने एल्केन्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद उनका नामकरण तथा आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।